नमस्कार, आज मैं लोबिया की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे कोई लॉन्ग बीन्स भी कहते हैं, कोई चवली कहते हैं, कोई लोबिया कहते हैं। तो आज हम इसको बनाएंगे। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम लोबिया। इनको मैंने अच्छे से धुल लिया है और इसको हम अब कट करेंगे। बाकी मैंने लिया है 2 प्याज, कुछ मैंने लिया कड़ी लीव्स, क्योंकि मेरे को फ्रेश लीव्स नहीं थी तो मेरे पास ड्राई पड़ी है तो मैंने वो ले रही हूँ। 2 मैंने लिए साबुत लाल मिर्च, हरी मिर्च 2 मिर्च, 2 मैंने हरी मिर्च को कट कर लिया है। साबुत धनिया, सौंफ 1 चम्मच, राई, अदरक को मैंने ग्रेटेड करके ले लिया है, और ये हमने फ्रेश कोकोनट लिया है जिसको मैंने कद्दूकस करके लिया है, और थोड़ी सी मैंने इमली ली है जिसको मैंने भिगो लिया है। इसके अलावा हमें बाकी मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, नमक मसाला, तो इनको सबसे पहले हम कट कर लेते हैं। तो मैंने ये सभी लोबिया को कट करके ले लिया है, तो चलिए इसे बनाते हैं। और जो मैंने ये कोकोनट लिया है, मैंने ये कप से नापेंगे तो आधा कप कोकोनट ग्रेटेड किया हुआ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसमें मैं 2 टेबल स्पून के करीबन ऑयल डालूंगी। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। धनिया, सौंफ, करी लीव्स, इसी में हम डाल लेंगे अपनी लाल मिर्ची, और अब इसमें हम डाल लेंगे कोकोनट। गोल्डन कलर का होने तक भून लेंगे। इसी में मैं कुछ स्लाइस जो है प्याज की डाल लूंगी और इन्हें भी इसी में साथ में रोस्ट करेंगे। नारियल हमारा ब्राउन होने लग गया है। अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला और आधी चम्मच मैं लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ। अब इसको भी सौटे कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सौंफ और जो धनिया है साबुत लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह सौंफ पाउडर या धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ और इसको ठंडा करने के बाद मैं मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालूंगी और इसको आधा कप पानी डालकर फाइन पेस्ट बना लूंगी। अब मैंने फिर से गैस को ऑन कर लिया है और कढ़ाई रख ली है। जो हमने रोस्ट किया हुआ नारियल था उसको भी हमने फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। इसमें हम 2 से 3 चम्मच के करीबन ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड, ये ग्रेटेड अदरक, हरी मिर्ची। यदि आपके पास फ्रेश कड़ी लीव्स है तो वो भी इसमें आप तड़के में यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे अपने प्याज, हल्का गुलाबी होने तक हम इसे भून लेंगे। हमारा प्याज गुलाबी हो गया है तो अब इसमें हम डालेंगे ये अपनी लोबिया और 1-2 मिनट हम इसे सौटे कर लेंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे नमक और इसमें अपना ग्राइंड किया हुआ पेस्ट डालेंगे और मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे पानी, मैंने 1.5 कटोरी के करीबन डालूंगी, और जो इसमें मसाला लगा है क्योंकि मिक्सी के जार में, तो इसको भी मैं इसी में पानी डाल के मैंने साफ कर लिया है। अब मैं गैस को कम कर लेती हूँ, इसमें उबाल आ गया है, और इसको हम कवर कर लेते हैं और 2-3 मिनट इसको पहले पकने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे इमली का पानी। जो मैंने इमली भिगोई थी वो मैंने आधा कटोरी इमली का पानी ले लिया है और इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे और इसे 12 से 15 मिनट पकने देंगे या सॉफ्ट होने तक पकने देंगे। तो इसे पकते हुए 12 से 15 मिनट हो गए हैं और ये बन के एकदम तैयार है। ये सॉफ्ट भी हो गई है और गाढ़ी भी हो गई है। आपको ग्रेवी जितनी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कम कर सकते हो। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं और गैस को मैं ऑफ कर लेती हूँ।